नमस्कार, हमारे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले इस डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। कैबिनेट में आएगा महिलाओं को भूमि का अधिकार देने का मामला, शासन स्तर पर गठित कमेटी ने होमवर्क भी किया शुरू। प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों में मुक्त यात्रा करेंगी बहने, 4 जिलों में भी नहीं होगी साप्ताहिक बंदी। राजधानी में मंत्री निशंक का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ता गिरफ्तार, प्रदेश अध्यक्ष समेत 100 से ज्यादा पर मुकदमा। पंतनगर विश्वविद्यालय की जमीन पर बनेगा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, कई देशों के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। उत्तराखंड में मिले नए 118 संक्रमित मामले, 4 लोगों की मौत, 7183 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। प्रदेश में मौसम में बदली करवट, राज्य के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर कृषि व कृषि प्रशिक्षण से संबंधित परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जहां पर ILSP परियोजना तथा जिला प्रशासन के सहयोग से अल्मोड़ा जिले के हवाल बाग विकास खंड अंतर्गत स्थापित बेकरी यूनिट इसका एक उदाहरण है। इस बेकरी यूनिट का संचालन परियोजना के अंतर्गत संगठित प्रगति स्वायत्त सहकारिता पाटली बगड़ द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही 59 महिला समूह ने 560 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में बेकरी यूनिट में विभिन्न प्रकार के बिस्किट तथा क्रीम रोल, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, माफिन व ब्राउनीज के उत्पादन किए जा रहे हैं। इन बेकरी उत्पादों के उत्पादन हेतु स्थानीय कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, तिल व अन्य प्रकार के मोटे अनाज का उपयोग किया जाता है बढ़िया पैकेजिंग के लिए। साथ ही इन उत्पादों को हेलांस ब्रांड के नाम से स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर के बाजारों तक पहुंचाया जा रहा है। नैनीताल पुलिस को कंट्रोल रूम 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि पाइंस के पास 800 ऑल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। उक्त सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए श्री विजय मेहता थाना अध्यक्ष तल्ली ताल के नेतृत्व में मौके पर जाकर राहत एवं बचाव हेतु संबंधित पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया था। रेस्क्यू कार घटना में हेम सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह निवासी आयरपाटा मल्लीताल नैनीताल जो दुर्घटना से घायल अवस्था में था वो रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया तथा प्राथमिक उपचार हेतु निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवाली भेजा गया। बता दें कि उक्त स्थान पर कल देर सायं अन्य वाहन वैगनार दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई थी एवं अन्य व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल अवस्था में तल्लीताल पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके प्राथमिक उपचार हेतु BD पांडे अस्पताल में भिजवाया गया था। नैनीताल के पांच के करीब कार खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि अमीन और हनीफ ईद के लिए बकरे खरीदने के लिए अपनी निजी कार से भीमताल गए हुए थे, वहां से 2 बकरी खरीद कर वापस आ रहे थे। तभी नैनीताल भवाली रोड पर पाइंस के समीप रपेट में घने कोहरे के चलते उनकी कार 15 फीट गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर मौके पर पहुंची तल्लीताल पुलिस ने रेस्क्यू करके घायलों को बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने अमीन को मृत घोषित कर दिया था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और भीमताल के पास खाई से भवाली के पास खाई से नीचे गिर गई गाड़ी। करीब जितना इन्होंने बताया इनके साथ जो बैठे थे करीब 10 से 12 फुट का इनका फॉल था रोड से और सर पे काफी गहरी चोट थी इनकी, तो मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इनकी हेड इंजरी से ही हुई है। वो 7:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली थी कि पाइंस के पास एक वैगनार कार खाई में गिर गई है, तो इस पर हम लोग मौके पर आए और जनता की मदद से 2 व्यक्ति इसमें सवार थे उनको बाहर निकाला गया। एक को मामूली चोट है, दूसरा जो है काफी गंभीर चोट है, उसे उपचार हेतु बीटी पांडे हॉस्पिटल भेजा गया है।
विकास नगर अंतर्गत कालसी चक्राता मुख्य मार्ग पर झजरेल के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण साहिया के पास झजरेट में पहाड़ी मलबा आने से टमाटर लेकर मंडी जा रहा एक पिकअप वाहन मलबे में बुरी तरीके से दब गया। गनीमत ये रही कि समय रहते वाहन में सवार तीन लोगों ने कूदकर बहुमुश्किल से अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि उस्टी गांव का किसान राहुल तोमर 100 पेटी टमाटर पिकअप गाड़ी में भरकर देहरादून मंडी के लिए निकले थे, जिनके साथ वाहन चालक भगत व अन्य व्यक्ति भी सवार था। लेकिन देर रात हुई मूसलाधार बरसात के कारण झजरेट में अचानक पहाड़ी दरकने लग गई और पहाड़ी का मलबा भरभरा कर उनके वाहन पर जा गिरा, जिसमें से समय रहते उन लोगों ने वाहन से कूद कर बहुमुश्किल से अपनी जान बचा ली। हादसा इतना भयानक था कि मलबे में दबकर वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। उधर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम और पीडब्ल्यूडी कर्मियों ने मलबे में फंसे वाहन को बाहर निकलवाया और मार्ग से मलबा हटाकर यातायात को सुचारू करवाया। रात को झजरेट और तेज बारिश हो गई, पिकअप फंस गया। कितना नुकसान हुआ? 100 करेट टमाटर पिकअप नुकसान हो गया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस महामारी से बचने के लिए सरकार लोगों को जागरूक करके सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील कर रही है, जिससे इस महामारी की चेन को तोड़ा जा सके। जिसके चलते मुस्लिम समाज के पवित्र त्यौहार ईद उल अजहा में मुस्लिम समाज द्वारा ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की अपील की गई, तो वहीं सोशल डिस्टेंस के साथ ही कुर्बानी किए जाने की अपील की गई। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ईद की नमाज को घरों में पढ़ने की अपील करी है और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सरकार द्वारा कोरोना वायरस पर बताए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करी है। गाइडलाइंस में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि सामूहिक नमाज कोरोना के संक्रमण के मद्देनजर अदा न की जाए। ईदगाह और मस्जिदों में जैसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान जो गाइडलाइंस थी कि 3-4 लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए नमाज अदा कर लें, जो एक प्रतीकात्मक नमाज अदा करने की स्थिति होती है। बाकी सभी लोग अपने घरों पर सोशल डिस्टेंसिंग का और मास्क धारण करके अपने घरों में ही नमाज अदा करें। जहां पूरे उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने अपना कहर बरपाया, तो वहीं रानीखेत के चौबटिया क्षेत्र में नदी नाले भयंकर उफान पर हैं। भड़गांव में एक गाय पानी की तेज दहर में बह गई। आपको बता दें, ग्रामीणों ने रस्सियों के सहारे गाय को सुरक्षित बाहर निकाला। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। कोरोना संक्रमण के कारण अपने जनपद को लौटे प्रवासी एवं बेरोजगार युवा अब घर बैठे विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। चमोली जिला प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं की सुविधा के लिए वेबसाइट तैयार की है, जिसके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर कृषि, उद्यान, उद्योग, डेयरी, मत्स्य, पशुपालन आदि विभागों की स्वरोजगार परक योजनाओं के लिए आसानी से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट, जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया, मुख्य विकास अधिकारी हस्तादत्त पांडे विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में दशोली ब्लॉक के सरतोली गांव निवासी बीटक डिग्री धारक किसान से जिलाधिकारी हाथों से वेबसाइट को लॉन्च कराकर सम्मानित किया गया। www.chamolijsy.in पर बेरोजगार युवा जानकारी प्राप्त करके रोजगार पा सकते हैं। इस अवसर पर विधायक महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि जिलाधिकारी की ये बेहद सराहनीय पहल है, इससे बेरोजगार युवाओं को आवेदन करने में बहुत सहूलियत मिलेगी।
पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के बाद परेशानियां बढ़ती ही जा रही। रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने से बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर जा गिरे। इस कारण बड़े वाहनों की आवाजाही बंद हो गई व हाईवे पर जलभराव हो गया। वहीं रुद्रप्रयाग बाजार के बीच में बहने वाले कुणाल गधेरे के उफान में आने से गधेरे किनारे स्थित घरों तक पानी घुस गया। जहां रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान टूटने के बाद बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर गिर गए। जिला मुख्यालय में भी बद्रीनाथ हाईवे 5 घंटों से बंद पड़ा रहा। स्थानीय लोगों की ओर से सूचना देने के बाद भी हाईवे नहीं खुल पाया। वहीं दूसरी ओर रुद्रप्रयाग शहर के बीच बहने वाला पुनार गधेरे भी बारिश के चलते उफान पर आ गए। गधेरे किनारे स्थित घरों तक पानी पहुंच गया, जिसके बाद स्थानीय लोग अलर्ट पर हैं। मॉनसून सीजन में पहाड़ी मार्गों पर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर बनी सुरंग के पास पहाड़ी गिरने से बोल्डर की चपेट में स्कूटी सवार युवक आ गया, जिसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। युवक ने हेलमेट भी पहना हुआ था, लेकिन पहाड़ी गिरने से बोल्डर हेलमेट से ही जाकर टकरा गया। बता दें कि बारिश के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग कोतवाल कुंवर सिंह बिष्ट ने बताया कि पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एक फोन गया कि सुरंग पे पत्थर गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उस सूचना पे मैं और दरोगा जी मैं फोर्स के मौके पर आए तो एक व्यक्ति जो जिसके सिर में ऊपर से पत्थर गिरा है और उसका सिर फट गया है, खून काफी गिरा है यहाँ पे। तो स्कूटी भी थी उनके पास मेरा नंबर की। तो अभी मैं इसकी जानकारी कर रहा हूँ। हमने बॉडी जो है बॉडी बैग में जो है अस्पताल के लिए रवाना कर दिए। अभी मैं वहाँ बाजार में जाके उसकी शिनाख्त करके उसके बारे में जानकारी करूँगा कि कहाँ के हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रतिस्पर्धी युग में बच्चों में विज्ञान की समझ का होना बेहद जरूरी होता है। विज्ञान के पुस्तकीय ज्ञान के साथ इसके प्रैक्टिकल ज्ञान को महत्व देना होता है। खेल के बच्चों को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत आसानी से समझाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ चमोली जिले के कोठियाल सैंड में साइंस पार्क स्थापित किया गया। साइंस पार्क में बिरला साइंस म्यूजियम हैदराबाद से विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए उपकरण को स्थापित किया गया, जिसमें ग्रेविटी क्रिएशन, ऊर्जा का रूपांतरण, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आर्कमिडीज सिद्धांत, पाइथागोरस थ्योरम, ब्लैक होल, फन मरार, न्यूटन डिस्क आदि विज्ञान के सिद्धांतों को समझाने के लिए उपकरण स्थापित किए गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट की 4 घंटे तक चली बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा करी गई, जबकि एक विषय को लेकर मंत्रिमंडल कमेटी बनाई गई, जिसमें कुल 30 प्रस्ताव आए। उनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी। आपको जीएफएक्स के जरिए दिखाते हैं मंत्रिमंडल के फैसलों के बारे में। प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर के क्षेत्र का पुनर्गठन, ढांचे में 51 पद बढ़े। 148 शराब की दुकानों को राहत, कोविड अवधि में कम उठान का राजस्व नहीं देना होगा। रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। देहरादून शहर और बाहर पेट्रोल पंप लगाने को प्राधिकरण के मास्टर प्लान में छूट। माजरी ग्रांट में AICTE ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी खुलेगी। सरकार ने निःशुल्क दी 2 एकड़ भूमि, 1.29 करोड़ है भूमि की लागत। रानी पोखरी में पूर्व सैनिकों के लिए ECHS पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 0.07 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी गई, 38.50 है भूमि की लागत। राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन। हरिद्वार में भूपतवाड़ा मेला भूमि पर CSC हॉस्पिटल बनाने की अनुमति। पेयजल निगम में प्रबंध निदेशक के स्तर पर सलाहकार पेयजल निसर्गीय पद को मंजूरी।
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भंडारे उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आयुष शिक्षा चिकित्सकों की भर्ती लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा। उधम सिंह नगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए पीपीपी मोड में तकनीकी सर्वे। श्रीनगर एनआईटी सुमारी को रेशम विभाग की 8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिल्क पाउडर 4 दिन मिलेगा। किशोरी बालिका सैनिटरी नैपकिन ई टेंडर प्रक्रिया से ली जाएगी। शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति। 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच की मंजूरी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सामान्य जांच के लिए कंटेनर ओपीडी की फ्री सुविधा दी जाएगी। रजिस्ट्री ऑफिस में संबंधित निःशुल्क भुगतान में ई पेमेंट मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई है। कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रुद्रपुर हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों को स्वीकृति दी गई है। अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑनलाइन परीक्षा में फॉर्म चयन का अधिकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। डोईवाला के जरूरतमंद व असहाय परिवारों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आर्थिक सहायता के चेक उपलब्ध करवाए तो लोगों के चेहरे खिल उठे। डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और यहां के तमाम जरूरतमंद असहाय निर्धन परिवारों को सीएम की ओर से लगातार आर्थिक मदद देकर उनकी सहायता की जा रही है। जहां डोईवाला के दुधली ग्राम सभा में ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी के नेतृत्व में वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा और माजरी ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने 40 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री की ओर से भेजे गए चेक वितरित किए। इस अवसर पर चेक पाकर लोग मुख्यमंत्री का आभार जता रहे थे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार बराबर आम जन का पूरा ध्यान कर रही है और गरीब लोगों का इस विशेष महामारी काल में पूरा ध्यान दे रही है। उनकी हर तरह से मदद करने के लिए सरकार तत्पर है। जिस प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है, उसी प्रकार से प्रदेश में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विकास के कार्यों के साथ साथ आम जन के जो दुख दर्द है उसमें साथ खड़ी है। से और मुझे बहुत परेशानी थी और मेरे ऐसे ध्यानी मजदूरी करते हैं और मंत्री जी ने हमें आर्थिक सुविधाएं दी है और हम उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने मंत्री जी का भी देते हैं, दुधरी के प्रधान जी का भी देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे कष्ट में हमारी मदद करी। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। केबल ऑपरेटर्स,
जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, अब्रार अली, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, जय कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इल्दार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णेय, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कृतम गर्भाधान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित इस योजना को गोकुल मिशन योजना का नाम दिया गया। प्रदेश में इसके दूसरे चरण की शुरुआत पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने कर दी थी। आपको बता दें कि मंत्री जी ने आज इसकी शुरुआत करते हुए 4 गायों की कृतम गर्भाधान पद्धति से गर्भित करवाता। इस योजना के तहत किसानों की आय को दोगुना उद्देश्य करना इसका उद्देश्य था। इसके लिए पूरे देश में 1 अगस्त से अभियान चलाकर बेहतर कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के 6.5 लाख किसानों के मादा पशुओं का समान सीमेन से निःशुल्क गर्भाधान किया जाएगा। वहीं इस बेहतर सीमेन के लिए किसानों को सिर्फ 100 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा। इस योजना के संबंध में पशुपालन मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि प्रदेश में हर जिले में 50,000 पशुओं का इस पद्धति से गर्भाधान किया जाएगा, जिसमें किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। वहीं मंत्री ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस तरीके से गर्भाधान किया जाए जिससे 90% मादा पशु ही पैदा हो। साथ ही साथ मंत्री ने कहा कि योजना को प्रभारी बनाने में हमारे पशु चिकित्सक, पैराबेट्स, पशु प्रसार अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान का कार्यक्रम हम लोग का 1 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हमने 31 जुलाई से इसलिए करनी पड़ी क्योंकि शनिवार और संडे को जो है लॉकडाउन की संभावना प्रतीत हो रही थी, लेकिन हमने आज से इसकी शुरुआत कर दी है और ये पूरा देशव्यापी अभियान है। इसमें हम अपने पशुपालकों को नस्ल सुधार के संदर्भ में अच्छा सीमेन देना और फ्री कृत्रिम गर्भाधान करना, ये सेवा जो है हम अपने पशुपालकों तक घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बटन फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।